हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइज, तो ये पीछे बच्चा है तो ये मेरा बच्चा नहीं, आप ये नहीं समझिए कि मैं अपने बच्चे को लेके आ गई हूं। नहीं गाइज, मैं पार्लर आई हूं, दिन है बुधवार, तो सोचा थ्रेडिंग करवा लूँ, थोड़ा सा अपना हुलिया भी ठीक करवा लेती हूँ। तो फेशियल नहीं करवाया था मैंने, जस्ट फेस पे क्लीनअप ही करवाया था क्योंकि इतना समय नहीं था मेरे पास। बिकॉज़ क्या होता है ना कि दो बच्चों को मैं छोड़ के आती हूँ तो पतिदेव एक डेढ़ घंटा रुक जाते हैं, बट एक डेढ़ घंटा से ज़्यादा ही समय लग जाता है पार्लर में। कम से कम पार्लर में दो ढाई घंटे तो मुझे लग ही जाता है। उसके बाद मैं घर लेट से पहुंची तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज दिन है थर्सडे और आज ना टीचर डे भी है। तो निशांग के स्कूल से मैसेज आया हुआ है कि निशांग को ना पार्टी वेयर ड्रेस में जाना है, मतलब घर के ड्रेस में जाना है, एंड लंच बॉक्स एंड बॉटल यही लेके जाना है, बस और कुछ लेके आज जाना नहीं है। तो सुबह उठी थी, इतना अच्छा मौसम देख के सोने का मन कर रहा था, फिर मैं अपनी हिम्मत के साथ उठी, मैंने कहा नहीं आज मेरे पास बहुत सारा काम है क्योंकि आज तीज का नहा खा भी है। तो मैं सोच रही थी आज थर्सडे है तो आज मैं बाल धोऊँ कि ना धोऊँ, तो कल बुधवार था ना, तो कल ही मैं अपनी मौसी जी से फ़ोन करके पूछी कि मौसी मैं क्या करूं, तो मौसी बोली कोई बात नहीं है, जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन का नहीं धराता है, तो इसीलिए मैं आज थर्सडे के दिन बाल धो ली, वरना मैं ऐसे थर्सडे को कभी बाल नहीं धोती हूँ क्योंकि मैंने थर्सडे का फास्टिंग किया है ना, इस वजह से थर्सडे कभी बाल नहीं धोती हूँ। बट मेरी मौसी ने कहा कि नहीं धो लो, कोई बात नहीं है, सब लोग ऐसा ही करेंगे। तो मैं कोई भी पूजा पाठ होता है तो मैं अपनी मौसी से ही पूछती हूँ कि मौसी क्या करे नहीं करे, क्योंकि मौसी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करती है मेरी मौसी, पूजा पाठ में सब कुछ, इस वजह से मैं अपनी मौसी से ही पूछती हूँ। तो कल पूछी थी तो मौसी बोली थी हाँ थर्सडे के दिन, मतलब बृहस्पतिवार के दिन नहा खा कर लेना तीज का। तो हमारे यहाँ तीज के नहा खा में लहसुन प्याज नहीं बनता, अरवा अरवाइन खाते हैं बाल धो के, और ये दुपट्टा मैं इतने बरसों से खोजते खोजते आज मुझे मिला है इसमें। तो इसमें इतना सारा कपड़ा होता है ना, क्या होता है कॉलैब का जितना भी कपड़ा होता है ना ब्रांड प्रमोशंस के, इतना सारा कपड़ा आता है, जबकि मैं काफ़ी सारे कपड़े रिटर्न भी कर देती हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं रिशांग का कपड़ा निकाली थी क्योंकि रिशांग को जाना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी निशांग को कहीं जाना होता है ना तो मैं उसको मतलब नए कपड़े मैं उसके रखती हूँ। तो मैं सिलीगुड़ी गई हुई थी ना, तो सिलीगुड़ी से मैं उसके लिए कपड़े ली थी, छोटे वाले बाबू के लिए भी कपड़े ली थी, तो नए नए कपड़े मैं रखती हूँ कि कुछ भी होता है। जैसे आज टीचर्स डे था तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि मुझे निशांग को क्या पहना के भेजना है, मेरे पास नया था मैंने फटाक से निकाल के पहना दिया। तो नए कपड़े मैं इसी चीज़ के लिए रखती हूँ कि कभी भी कुछ भी आता है, फेस्टिवल फंक्शन किसी भी चीज़ की सेलिब्रेशन, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं बच्चों को क्या पहनाऊँ या मैं खुद क्या पहनूँ, मुझे ये बिल्कुल टेंशन नहीं होता, मैं फटाफट से कपड़े निकाल लेती हूँ। कल रात में मैं सोच ली थी कि सिलीगुड़ी से जो कपड़े लेके आई थी बच्चों के लिए उसी में से निशांग को कुछ पहनाऊंगी, तो मैंने वही निकाल लिया था। और मैं सोच रही थी अभी कि साड़ी थोड़ा पहनूंगी नहा वहा के, फिर मैंने कहा रहने दो क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी भी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं है और अभी बुखार उखार से ठीक हुई हूँ ना, तो थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर निशांग के लिए मैं तीन गिफ्ट भेजी थी, दो उसकी क्लास टीचर के लिए और एक सेक्शन हेड के लिए। कल ही मैं गिफ्ट पैक करवा के ले आई थी कि टीचर्स डे है तो गिफ्ट तो जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने तीन गिफ्ट लिया था, जैसे दो निशांग की क्लास टीचर है और एक सेक्शन हेड है। तो सेक्शन हेड मैम को भी निशांग देगा गिफ्ट, क्योंकि भाई बनता है ना, टीचर्स डे टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। और निशांग की जो ट्यूशन टीचर है जो उनको पढ़ाती है मुस्कान, उनके लिए हमने कुछ प्लान करके रखा है। तो आज तो टीचर डे है लेकिन थर्सडे है तो उनका फास्टिंग है, तो इस वजह से मैंने उनको कल आने के लिए बोला है कि कल थोड़ी बहुत से सेलिब्रेशन उनके लिए करूँगी, निशांग को भी अच्छा लगेगा और उनकी मैम को भी थोड़ा सा स्पेशल फील होना चाहिए ना। टीचर्स डे है तो आज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज थर्सडे है तो उनका फास्टिंग भी होता है निशांग की ट्यूशन टीचर का, इस वजह से। तो निशांग की जो ट्यूशन टीचर है वो स्कूल की ही टीचर मैंने रखा हुआ है, स्कूल की ही टीचर है, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, काफ़ी निशांग को बहुत कुछ उसने सिखाया है ना। तो ये है निशांग का ड्रेस आज का। तो निशांग सुबह उठा है, फ्रेश होके नहा लिया है, और निशांग डेली सुबह में ना शंकर भगवान का जो लिंग है ना, शिवलिंग जो है वहाँ पे बालकनी में रखा हुआ, तो उसमें ना डेली सुबह जल चढ़ा लेता है। किसी दिन मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। छोटा वाला बाबू मेरा सोया हुआ है
और निशांक मेरा रेडी हो गया है गाइज। तो वो कितना अच्छा लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे एक्साइटमेंट रहते हैं ना हर एक फंक्शंस के लिए। तो अभी तो मैं नहाऊंगी, पहले तो मैं घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जैसे झाड़ू लगा ही रही थी ना, वैसी हमारी रंजना जी आ गई थी कि दीदी आप क्यों लगा रही है, हम तो आ ही रहते। तो बारिश का मौसम था, मुझे लगा कहीं लेट सेट आएगी, इसीलिए मैं सोची कि अपना काम कर ली। और निशांक का लुक कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे, निशांक जैसा कपड़ा पहना है ना सेम कलर का, मैं छोटा वाला बाबू के लिए भी कपड़ा ली हूँ। तो दोनों बच्चों का ना कहीं जाती हूँ अगर सेम सेम मिलता है ना तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों का ना सेम सेम टाइप का कपड़ा पहनाना ना अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे पहले तो मैं क्या करूँगी ना, पहले तो जितने मतलब ये सब सामान ना क्या होता है, छोटा वाला बाबू की वजह से ना पूरा सामान इधर उधर बिखेर देता है। तो पहले सारा सामान एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से मैं लगा लूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगा ही रही थी ना, इसी बीच में ना रंजना आ गई थी, तो फिर वो पूरा झाड़ू पोछा जो है वो रंजना ही लगाने लगी। तो मैं बस थोड़ा सा रूम में ही जैसे झाड़ू लगाई तो बेल बज गया था, तो मैं झाड़ू छोड़ दी। मैंने कहा ठीक है रंजना आप लगा लीजिए। और कल तीज है गाइस, निर्जला तीज 24 घंटे का हमारा होता है। बहुत लोग के तो वीडियो में मैंने देखा है कि तीज के दिन पूजा पाठ करके मतलब दिन भर निर्जला रहते हैं लेकिन रात के टाइम पे खा लेते हैं, लेकिन गाइज हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 24 घंटे निर्जला रहते कल होके ही हमें कुछ भी खाना पीना होता है, ऐसा होता है हमारे यहाँ तीज। बहुत लोग सब लोग अपने अपने तरीके का करते हैं है ना, जिसको जैसा होता है वो वैसा करता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही तीज होता है। तो जिसके घर का जैसा नियम होता है वैसा सब लोग अपना अपना करते हैं। हमारे यहाँ का ऐसा ही है कि हम 24 घंटे हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, पानी तक भी नहीं पीते हैं, नेक्स्ट डे ही होता है। और ये हमारे लिए ये सुहाग के लिए बहुत बड़ा फंक्शन है गाइस। तो झाड़ू लगा ही रही थी तो रंजना आ गई थी, तो रंजना अपना झाड़ू पोछा लगाने लगी थी। तब तक मैं सोची कि वाश बेसिन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गंदा लग रहा था वाश बेसिन, तो वही मैं क्लीन करने आ गई थी। और इसके बाद मैं सीधे नहाने चली जाऊंगी। निशांक का वैन आया था, वो स्कूल चला जा चुका है। तो निशांक जब स्कूल चला जाता है ना घर पूरा शांत हो जाता है, बस छोटा बाबू ही रहता है परेशान करने वाला। तो छोटा बाबू ही ना अकेले ही परेशान कर लेता है मेरा छोटा बेटा। अभी उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहा के आज हेयर वॉश भी करना है, फिर पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। आज हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है, कहते हैं अरवा अरवाई नहीं खाया जाता है। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ जैसा नियम शुरू से मैंने किया है। 7 साल से मैं तीज कर रही हूँ, तो जब से शादी हुआ था तो शादी होते ही हमने तीज उठा लिया था, शादी होते ही और तीज में करना शुरू कर दी थी। सो एक तीज ऐसा है ना कि सुहाग के लिए करती है, बहुत लोग बिना पानी के रह नहीं पाते हैं। तीज से भी तो हार्ड जितिया होता है, जितिया बच्चों के लिए किया जाता है। मैं अभी तक जितिया का फास्टिंग नहीं उठाई हूँ, नहीं की हूँ अभी तक, देखते हैं बाय फ्यूचर कभी ऐसा हो तो करने की कोशिश करूँगी। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि होता क्या है ना गाइज, जो मैं कर पाती हूँ मैं वही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है दूसरों को देख के मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा रहता है कि अगर पर्सनली मैं ये चीज़ें कर पाऊँगी तभी करूँगी, नहीं कर पाऊँगी तो मैं नहीं करूँगी, मेरा ऐसा है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि दूसरों को देख के अरे वो ये कर रहा है फास्टिंग मुझे भी करना है, नहीं, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरी कैपेसिटी है मैं कर पाऊँगी तभी करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा होलिया ठीक कर रही थी तो काजल लगा लिया मैंने, और मेरा काजल ये ना ख़त्म भी हो गया। इस काजल ये ना बहुत अच्छा था, बट थोड़ा कॉस्टली काजल था, लेकिन हाँ कोई नहीं, अभी दोबारा मंगा लूँगी मैं ऑनलाइन। और बस मैंने बिंदी लगाया है, सनस्क्रीन लगाया, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगाया, बस बाल वाल ठीक करके और सिंदूर लगा लूँगी और उसके बाद चलेंगे, पहले पूजा पाठ कर लेंगे। पतिदेव भी अभी नहाए नहीं है, उनको भी ऑफिस थोड़ा सा जल्दी जाना है। और आज हमारे पास इतना सारा काम है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, इतना सारा काम है कि मतलब उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। सबसे पहला काम मेरा है कि मुझे मेहंदी लगवाना है, इम्पॉर्टेंट काम कल के लिए। उसके बाद तीज का सामान लेना है, तीज का जैसे साड़ी मेरा हो चुका है लेकिन और भी सामान होता है, जैसे बैंगल्स हो गया, मुझे नया बिछिया लेना है इस बार, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सारे सब बहुत सारे सामान है। उसके बाद गणपति बाबा की मूर्ति मुझे आज लेना है, क्योंकि कल मेरा निर्जला फास्टिंग रहेगा तो मैं घर से उतना बाहर निकलूँगी नहीं, तो इसीलिए आज ही मुझे मूर्ति भी ले लेना है। तो टोटल सारे काम जो है ना गाइस आज ही मुझे करना है, तो आज बहुत सारा काम है। इसीलिए पतिदेव ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से
घर थोड़ा जल्दी आएंगे, उसके बाद हम लोग आज निकलने वाले हैं मार्केट। बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है मार्केट में, क्योंकि मैं सोची मेहंदी भी उधर से ही लगवा के आ जाऊँगी, क्योंकि मैं पार्लर वाली दीदी से ना बात की थी मेहंदी के लिए, तो कोई भी घर आके लगाने को तैयार नहीं होता है मेहंदी यहाँ पे, क्योंकि हमारा इलाका जो है ना अररिया काफ़ी इंटीरियर इलाका है, तो यहाँ पे मुझे लगता है शायद कोई जाना पसंद नहीं करता, या फिर क्या बात है मुझे खुद समझ में नहीं आता है। अब मैं एक्स्ट्रा चार्ज भी कहती हूँ कि दीदी मैं एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया करूँगी, लेकिन फिर भी कोई घर में नहीं आना चाहता है, क्योंकि समय आजकल का इतना ख़राब चल रहा है ना कि कोई अपने कोई नहीं भेजना चाहता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे क्यों दूसरे के घर में जाए। तो दीदी बोली देखिए पार्लर में आके लगवा लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं सोची कि चलो ठीक है देख लेती हूँ, आज मुझे जाना है मार्केट में, फिर उसके बाद मुझे मूर्ति लाने जाना है, तो देखती हूँ उधर अगर कोई मेहंदी वाले मुझे मिले बैठे हुए तो मैं अपना लगवा लूँगी, क्योंकि आज तो होता है ना सब लोग हर जगह लगाते ही है, मिलेगा तो मैं लगवा लूँगी, नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन सिर्फ मेरे पास एक है गाइस, कि रात में मैं खुद ही लगा लूँगी। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास सिर्फ एक है कि मैं खुद से लगा लूँगी। और रही बात मतलब देखिए खुद से लगाने से क्या होता है ना, मुझे उतना सुंदर मेहंदी लगाने नहीं आता है, बस हाथ चलने लायक ही मेहंदी मुझे लगाने आता है, और मेरा ना मन है कि बहुत सुंदर सा मेहंदी लगवाऊँ मैं, बहुत अच्छा सा मेहंदी रचाए, तो ऐसा चाहती हूँ। लेकिन चलिए जो नहीं होने वाला है उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे होगा तो ठीक है वरना खुद से ही लगा लेंगे। ऐसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जब जाऊँ मूर्ति लाने उससे पहले मैं मेहंदी लगवा के एक घंटा इधर उधर मार्केट का काम कर लूँ, मेहंदी सूखी जाएगा फिर मैं मूर्ति ले लूँगी, तो ऐसा मैं सोची हूँ, देखते हैं क्या होता है। और कल तीज है तो अच्छा भी लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, तीज के बाद गणपति बप्पा की पूजा 3-4 दिन, तो 4-5 दिन अभी घर में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा काम का तो हो ही जाता है कि अकेले बच्चे संभालो, काम संभालो, वीडियोज़ भी आप लोग को देना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, लेकिन गाइज मैं करूँगी और आप लोग के साथ बिल्कुल लेट नहीं करूँगी ब्लॉगिंग में, एकदम टाइम टू टाइम मतलब अपडेटेड ब्लॉग मैं देने वाली हूँ। तीज के दिन मैं आपको तीज का ब्लॉग दे दूंगी, गणपति बाबा की पूजा के दिन 2-3 ब्लॉग्स जाने वाले ऐसे करके। तो उम्मीद है कि बस आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, कि मुझे भी अच्छा लगता है जब पता है व्यूज़ आता है, आप लोग इतना कमेंट करते हो कि जो आपको, मुझे एक कमेंट कल का बहुत अच्छा लगा था, एक ने कमेंट किया था कि अगर कोई आपको गलत कमेंट करता है तो आप उसको इग्नोर करो और आप अपने वीडियोज़ पे अपने काम पे ध्यान दो, लोगों की आदत है कुछ भी बोलना, तो मैंने उनके कमेंट को पिन भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सपोर्ट दिखाया, अच्छा लगा, क्योंकि लोग पता नहीं क्या से क्या कमेंट कर देते हैं कभी कभी, तो ऐसा लगता है। सो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पिया, आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पी, जीरा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया, तो अभी सीधे मैं चाय पीने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है। ये ब्लॉग्स भी मैं शूट करके आप लोगों के साथ अपडेट देना चाहती हूँ कि तीज के नहा खा में मैंने क्या खाया, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ ये ब्लॉग को मैं मार्केट जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि गाइस सच में आज बहुत ज़्यादा मुझे काम है, बहुत ज़्यादा मुझे ही नहीं हर एक लेडीज़ को आज काम ज़्यादा होगा, और मेरे घर तो और गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो जिनके घर में गणपति बप्पा आने वाले हैं उनके घर में तो एक्स्ट्रा काम है, तो वैसे ही मेरे भी गणपति बप्पा आने वाले हैं तो एक्स्ट्रा काम है। तो यहाँ पे मैं अरवा चावल ली थी, अरवा चावल कल ही हस्बैंड से मंगाई थी, क्योंकि हमारे घर में डेली में हम लोग उसना चावल खाते हैं, शुरू से बच्चे से उसना चावल ही खाए ना तो वही खाने की आदत है। तो यहाँ पे मैंने एक बार चावल को देख लिया कि चावल में कुछ है तो नहीं, बट हाँ कुछ भी नहीं था चावल में, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि देख लेती हूँ कुछ अगर होगा तो निकाल दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं चावल बनाऊँगी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की बनाऊँगी। तो बस पहले तो चाय मैं बना देती हूँ कि पतिदेव भी चाय नहीं पी, उनको भी से चाय नहीं मिला है, और होता क्या है ना उनकी आदत ऐसी है कि बिना चाय का उनका नींद नहीं खुलता है, लेकिन आज वो समझ रहे थे कि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसीलिए आज वो भी टोका टोकी नहीं कर रहे थे। तो अगर आपके हस्बैंड समझने वाले हों, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं होता, पता है आपको, हम दोनों के मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में कभी भी मतलब कभी भी ऐसे हमारे पर्सनल बातों के लिए हमें एक दूसरे से झगड़ा ऐसे हमें मतलब हमारे बीच में कोई झगड़ा ही नहीं होता कभी भी, हमारे बीच में अगर कोई बहस होता है ना तो दूसरों की वजह से बहस होता है, मतलब मैं अपने हक की बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारा कोई नहीं ले सकता, तो ऐसा मतलब होता है कि मतलब कह सकते हैं कि ससुराल वालों की वजह से ही हमारे बीच में अनबन या बहस होता है, बाकी हमारे पर्सनली झगड़ा कुछ नहीं है, हम दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और रहना भी चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, है ना।
तो चलिए तीज है, तो तीज में थोड़ी सी पॉजिटिव एंड गणपति पूजा भी है, तो पॉजिटिविटी मैं अपने चैनल पे रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि नेगेटिविटी रख के मैं खुद भी दुखी हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोला, क्यों शेयर किया, बट हो जाता है यार। बात करते करते मेरा अपनी दिल की बात ना आ ही जाती है मुँह पर, क्योंकि मुझे भी बहुत पूजा पाठ में, किसी फेस्टिवल में मुझे भी बहुत अखरता है फैमिली का होना, क्योंकि आप कोई भी पूजा पाठ अकेले करते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी पूजा पाठ में अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो अच्छा लगता है ना। बट मेरा जो पूजा पाठ और फंक्शन जाता है वो बहुत हैक्टिक जाता है। मैं बहुत बार तीज में, 3 साल, 3 बार या 4 बार, मुझे याद नहीं है, 3 बार या 4 बार मैं ससुराल में तीज में थी। इन 7 सालों में 2-3 बार ही मैं अररिया में थी, वरना मैं ससुराल ही तीज से पहले चली जाती थी। लेकिन जब लोगों को मेरी कदर ही नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या जाना। ऐसा नहीं कि मैं ससुराल नहीं जाती थी गाइस, जाती थी मैं ससुराल में। शादी हुई तो भी मैं 2 साल कंटिन्यू वहाँ पर थी, फिर मैं जाती थी। मुझे तो लगता है 2 ही 3 बार ऐसा हुआ होगा जब मैं अररिया में तीज की हूँ, नहीं तो हमेशा मेरी कोशिश रहती थी कि मैं ससुराल में ही तीज करूँ, अपनी सास के साथ करूँ, ऐसी मेरी इच्छा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जब लोगों को आपकी कदर ही नहीं है तो फिर आप कितना करोगे। सो एनीवे गाइस, इसमें मैंने जीरा रखा है, तेल रखा है, सरसों तेल, उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद टमाटर रख दिया है। तो इसी तरह अभी मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था तो उनसे मैं बात कर रही थी। मेरी भाभी इस बार तीज नहीं की है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है गाइस, इस वजह से तीज नहीं की है। बाकी भाभी अगले साल ज़रूर करेंगी, इस बार ही करती, बट वो चीज़ था कि नहीं कैसे करेंगी, क्योंकि अभी बाबू है पेट में उनके, तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। तो हम लोग ने भाभी को मना किया कि नहीं भाभी आप नहीं कीजिए। भाभी का तो मन था कि इस बार पहला तीज है तो उठाते हैं, लेकिन वही है कि पहला तीज है, आप पूजा पाठ ठीक से कर नहीं पाइएगा तो फिर क्या करिएगा। इसीलिए हम लोग ने कहा है कि अगले साल से आप उठाइएगा। तो बस यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और बस यही आलू टमाटर की सब्ज़ी और राइस जो है मैं खाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा बहुत सा एडिटिंग करके आप लोगों के साथ वीडियो को मैं शेयर करूँगी। और आज भी मुझे मार्केट भी जाना है, और वो सारे ब्लॉग्स जो है सेम मैं कोशिश करूँगी कि रात तक आप लोगों के साथ ब्लॉग्स दूँ और अपडेटेड ही ब्लॉग दूँ, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांडेड है कि आप प्लीज़ थोड़ा अपडेटेड ब्लॉग दिया कीजिए। और यहाँ पे मैं ये सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ, तो नया ही पैकेट था, अभी मैंने जस्ट इसको निकाला ही, और इसको मैं रख भी दूँगी। और अभी गणपति पूजा आता है ना, तो उसमें मैं भोग वोग बनाती हूँ दोनों टाइम ऐसे करके गणपति बप्पा के लिए। तो बहुत ही अपने आप को मैं खुशनसीब मानती हूँ कि गणपति बप्पा का सेवा करने का मौका मिलता है हमें, तो बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को मैं इस चीज़ों के लिए। तो बस ये आलू की सब्ज़ी की ग्रेवी जो है मेरी रेडी हो गई है, तब तक मैंने आलू छील के रेडी कर लिया है, और बस इसकी कटिंग करूँगी और फटाफट से इसमें डाल दूँगी आलू। और पता है गाइस, आप लोग तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखते हो, लेकिन एडिटिंग करने में ना गाइस हालत ख़राब हो जाता है। वॉइस ओवर तो करने में नहीं रहता, क्योंकि वॉइस ओवर में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने आलू को ऐड कर दिया था, और साथ में मसाले में मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी रेडी कर देंगे। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोग से जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब किचन मेरा गंदा होता है ना, तो ऐसे ही मैं अपना साफ़ कर कर के ही काम करती हूँ। तो आज बहुत सिंपल सा मैंने खाना बनाया है, चावल और सब्जी, तो यही हम लोग खाएंगे आज। और हस्बैंड तो नाश्ता करके ऑफिस निकल गए थे, ब्रेकफास्ट में वो केला और ब्रेड टोस्ट किया हुआ है यही सब खा के गए थे, और वो अब आएंगे लंच के टाइम पे, आएंगे तो खा लेंगे, और नहीं तो लंच के बाद आएंगे तो ऑफिस में खा के ही आएंगे। और वैसे ही बिना लहसुन प्याज का है ना, तो हस्बैंड बिना लहसुन प्याज का उनको अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिना लहसुन प्याज के भी खा लेती हूँ और अच्छा लगता है। आलू टमाटर धनिया पत्ता ये सब डाल के ना आप सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, मुझे तो पसंद है, लेकिन हस्बैंड को उतना अच्छा नहीं लगता। पर चलिए कोई बात नहीं, हस्बैंड अपना खा के आएंगे, नहीं खा के आएंगे तो बना देंगे उनके लिए। तो आप लोग तीज कर रहे हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा मुझे, और मैं इंस्टाग्राम्स पर भी रील्स डालूंगी, एंड फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी है गाइस, इतना टेस्टी सब्ज़ी बनाता मैं खाने के बाद ही एडिटिंग कर रही हूँ, भी बिना लहसुन प्याज का इतना टेस्टी सब्ज़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच अगेन, टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा, बाय, टेक केयर।